हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS Cryptech। आज हम देखेंगे कि हम सेपरेट पेज कैसे बनाएंगे ब्लॉग के लिए। देखिए, सेपरेट पेज ब्लॉग के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में देखिए, जो आपका ब्लॉग्स जो पेज है, ब्लॉग पेज कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट पेज होता है, जो आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, वो पेज यहाँ पे ब्लॉग वाला पेज होता है, मतलब पोस्ट वाला पेज होता है, जहाँ पे सारे पोस्ट क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पेज बनाना है मेन्यू के अंदर, यहाँ पे ऐड करूंगा उस पेज को। जब मैं उस पेज पे क्लिक करूंगा, तब मेरा ये ब्लॉग वाला पेज क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ये पोस्ट सारे वहां पे क्या हो जाने चाहिए, डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेज बनाएंगे ब्लॉग नाम का। जब हम पेज बनाएंगे तो उसको मेन्यू में ऐड करेंगे। मेन्यू में ऐड करने के बाद फिर आप क्या प्रोसेस करेंगे कि वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये सारा हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले एक पेज बनाते हैं। देखिए, ब्लॉग नाम का हम जाएंगे डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में जाएंगे पेजेस के अंदर, और यहां से हम ऐड न्यू करके एक पेज बना देंगे। देखिए, यहां पे हम बना देते हैं ब्लॉग नाम का पेज, और यहां से आप इसको क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। देखिए, पब्लिश करने के बाद आप यहां पे अपीयरेंस में जाइए और मेन्यूज में। अपीयरेंस में जब मेन्यूज में जाएंगे तो आप यहां से जो ब्लॉग वाला पेज है, ऐड टू मेन्यू करके यहां पे जोड़ दीजिए आप अपने मेन्यूज के पैनल में। अब इसको आप किसी भी नंबर पे रख सकते हैं, आपको जहां भी चाहिए। मैं लास्ट में ही रखता हूं इसको, और यहां से सेव मेन्यू कर देता हूं। सेव मेन्यू करने के बाद जब आप यहां पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लॉग का जो आपने पेज बनाया था वो मेन्यू में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉग नहीं आएंगे। अभी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आपका ब्लॉग का जो पेज है, जो पोस्ट जिसपे सारे के सारे डिस्प्ले हो रहे थे, वो आपके इस पेज पे अभी तक कनेक्ट ही नहीं है। मतलब जो आपका फ्रंट पेज पे डिस्प्ले हो रहा था डेटा, वो अभी इस पेज से कनेक्ट ही नहीं हुआ है। उसको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहां पे जाना है। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर रीडिंग। देखिए, जब आप सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो योर होम पेज डिस्प्ले, जो आपका होम पेज है वो डिस्प्ले क्या कर रहा है, लेटेस्ट पोस्ट। होम पेज डिस्प्ले का मतलब ये आप होम पेज में समझिएगा। ये तो मैंने एक पेज बनाया है, ये भी आपका होम पेज नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हैं, जैसे लोकल होस्ट /WS Cryptech आप लिखते हैं, वो जो फर्स्ट टाइम पेज ओपन करता है वो आपका क्या होता है, होम पेज। और वहां पे क्या डिस्प्ले होते हैं, आपके सारे पोस्ट क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। हमें क्या करना है, इसके अंदर अस्टैटिक पेज वाले रेडियो बटन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। रेडियो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएंगे, होम पेज और पोस्ट पेज। होम पेज का ऑप्शन मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। आपको जाना है पोस्ट पेज में, और पोस्ट पेज में आप बता दीजिए कौन सा आपको पोस्ट के लिए पेज बनाना है। तो आपके पास चार पेज आ रहे हैं, अबाउट अस, ब्लॉग, कोर्स और होम। मैं यहां से क्या करता हूं, ब्लॉग वाले पेज को क्या कर देता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। ब्लॉग वाले पेज को सेलेक्ट करके यहां से सेव चेंजेस कर देता हूं। जब आप सेव चेंजेस करेंगे और यहां पे जाएंगे आप वेबसाइट पे जाके जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये जो ब्लॉग वाला URL है उस पे सारे के सारे पोस्ट आपके क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे पोस्ट आपके क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए ब्लॉग वाले पेज पे। तो हमने क्या प्रोसेस देखा, मैं आपको बता देता हूं। हमने देखा कि हम पेज कैसे बनाएंगे ब्लॉग का, उसको मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे, और उस पे सारे ब्लॉग कैसे डिस्प्ले होते हैं। सेटिंग्स के अंदर रीडिंग और स्टैटिक पेज वाले को क्या करना है, आपको क्लिक करना है, फिर ड्रॉप डाउन में आपको ब्लॉग पेज में क्या सेलेक्ट करना है, जो भी पेज आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेव पे क्लिक करिए, और आपके सामने ब्लॉग वाले पेज पे सारे के सारे पोस्ट क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्रंट पेज कैसे बनाते हैं। फ्रंट पेज बनाने का मतलब है कि मान लिया जाए कि मुझे अपना खुद का कोई पेज है, उसको फ्रंट पेज पे सेट करना है। खुद का पेज मतलब होम, अबाउट, कोर्स, ये सारे जो पेज हैं ये फ्रंट पे आने चाहिए। फ्रंट पे आने का मतलब जब सबसे पहले वेबसाइट ओपन हो तो वो जो पोस्ट वाला पेज ओपन हो रहा था उसको हम ओवरराइट कैसे कर पाएंगे अपने पेज से, ये सारा हम प्रोसेस देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।